सोहेल अख्तर अगर क्रिकेटर नहीं होते तो एक रश के कट जाएगा। अपना फेवरेट पेशावर जमी है दीदी शाहीन भाई, वो सब बहुत करता है, उसको मैं बताना है कि थोड़ा वो सब का छक्का इरादा है ये पक्का, मैदानी ये जीते जब मारे हम छक्का। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फैजान हयात खान और आप देख रहे हैं टाइगर्स महफिल की एक और एपिसोड। आज मेरे साथ मौजूद हैं टाइगर्स स्क्वाड के एक बहुत अहम खिलाड़ी जो ना सिर्फ बॉलिंग में अपने जौहर दिखाते हैं बल्कि अपनी बैटिंग में भी दिखाते हैं। जी हाँ, वसीम जूनियर मेरे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद वसीम भाई, क्या हाल हैं आपके? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक है जी, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, इंटरव्यू का आगाज़ करते हैं और मैं आपसे ये सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि आपका जो क्रिकेट का सफ़र है वो कहाँ से शुरू हुआ? जी, मेरा अंडर 19 का जो मैच था पेंडी में अगेंस्ट बेटा, मेरा पेंडी में मैच था, उससे स्टार्ट किया मैंने करियर। ठीक है। अच्छा, आपका डेब्यू रिसेंटली हुआ पाकिस्तान सुपर लीग में, आप खेले इस्लामाबाद यूनाइटेड में, आप इमर्जिंग कैटेगरी में थे, तो आपने कभी सोचा था कि इतना जल्दी आप पाकिस्तान की ग्रीन शर्ट में रिप्रेजेंट करेंगे अपने मुल्क को? जी बिल्कुल सोचा था, लेकिन मेरा थोड़ा गोल आगे था 2025 का, लेकिन बस अल्लाह ने थोड़ा जल्दी करवा दिया, क्योंकि इसके पीछे बहुत हार्ड वर्किंग है। इसका नतीजा है कि मैंने पाकिस्तान के लिए T20 डेब्यू किया। चले, मैं कुछ 5 नाम लूँगा और आपने बताना है कि अगर ये क्रिकेटर्स ना होते तो क्या होते। सबसे पहले सुहेल अख्तर। सुहेल अख्तर अगर क्रिकेटर नहीं होते तो एक रश के कट जाएगा। अच्छा, और मोहम्मद हफीज़ जो टाइगर्स के कैप्टन भी हैं। हफीज़ भाई तो अगर क्रिकेटर नहीं होता तो प्रोफेसर होता। ठीक है। और फहीम अशरफ। फहीम भाई मॉडल। और अनवर अली। अनवर अली डांसर। और हसन अली सिंगर। एंड फाइनली, अगर आप क्रिकेटर ना होते तो क्या होते? मैं कोई मॉडल भी होता। सही। अच्छा, आपने काफ़ी ज़्यादा अभी रिसेंटली क्रिकेट भी खेली है, पाकिस्तान से भी खेली है, डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेली है, फ्रेंचाइज क्रिकेट भी खेली है, तो सबसे ज़्यादा ऐसा कौन सा बैट्समैन है जिसने आपको सबसे ज़्यादा तंग किया हो? जी, वन एंड ओनली बाबर आजम, जो बहुत मैंने बॉलिंग उसके मतलब की है, लेकिन उसको आउट नहीं करवाया अभी तक। मेरा ख्वाहिश भी है कि उसको आउट करना है अपनी करियर में। अच्छा, कौन से क्रिकेटर को देखकर आपको क्रिकेट का शौक़ पैदा हुआ? जी, मेरा फेवरेट बेन स्टोक है, उसको मैंने देखकर मतलब मैंने क्रिकेट शुरू की। सही है। और आपके, आप क्या समझते हैं आपके क्रिकेट का टर्निंग पॉइंट कौन सा था? मैंने इस साल जो मैंने डेब्यू किया था अगेन मुल्तान सुल्तान PSL 6 का, वो मेरा टर्निंग पॉइंट था जो मैंने डेब्यू में 5 आउट किए थे मुल्तान को। बिल्कुल सही। अच्छा, आप ऑलराउंडर हैं, अभी रिसेंटली हमने KPL में देखा आपने काफ़ी मैचेस बैटिंग से भी जिताए, कंट्रीब्यूशंस दी, तो आपको कौन से बैटिंग नंबर पर खेलने का सबसे ज़्यादा शौक है अगर आपकी अपनी चॉइस हो? जी, मेरा तो अपनी चॉइस है, तो मैं 5-6 पे बैटिंग कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा ख्वाहिश भी है मैं अपनी टीम को जितवा सकता हूँ, मतलब 6-5 नंबर पर मेरा ख्वाहिश है कि मैं इस राउंड पर जाऊँ। अच्छा, अगर आप इस्लामाबाद यूनाइटेड में ना होते तो आपकी क्या ख्वाहिश होती, आप कौन सी टीम रिप्रेजेंट करते PSL में? अगर यूनाइटेड में ना होते तो मेरा फेवरेट पेशावर जमी है। ठीक है। अच्छा, मैं कुछ प्लेयर्स के नाम लूँगा और आपने उनको नसीहत देनी है, तो सबसे पहले आपके इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान। जी, वो बहुत इन्जॉय करता है फील्डिंग में, मतलब जब वो हमारा कैप्टन है मतलब इस्लामाबाद यूनाइटेड में, उसको मैं बताना चाहता हूँ कि थोड़ा फोकस रहे अपने गेम पर, इंजॉय मतलब ग्राउंड के अंदर इंजॉयमेंट थोड़ा हो। सही है। अरशद इकबाल। अरशद इकबाल मोबाइल मतलब फ़ोन बहुत यूज़ करता है, उसको मैं बताना है कि फ़ोन कम अपने टाइम पे सोना है, मोबाइल कम यूज़ करना। शाहीन शाफरीदी। शाहीन भाई गुस्सा बहुत करता है, उसको मैं बताना है कि थोड़ा गुस्सा। चले, बिल्कुल सही। अच्छा, आपके फेवरेट बॉलिंग पार्टनर कौन से हैं जिनके साथ आपको बॉलिंग करते हुए सबसे ज़्यादा आपको अच्छा सपोर्ट मिल रहा हो? जी, मेरा तो यूनाइटेड में हसन अली है, इधर के प्लेयर में अरशद इकबाल है। बिल्कुल सही। ठीक है। और थोड़ा सा मैं पूछना चाहूँगा कि आप डिफरेंट टूर्स पर जाते हैं, डिफरेंट टीम्स के साथ खेलते हैं, तो अक्सर कुछ प्लेयर्स के प्लेलिस्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं, तो आपको सबसे अच्छा गानों का प्लेलिस्ट कौन से प्लेयर का लगा आज अभी तक? जी, मेरा रोहेल नज़ीर का, वो बहुत गाने सुनते हैं। ठीक है। और कौन सा ऐसा प्लेयर है जो ड्रेसिंग रूम में आपके जो डगआउट में प्लेयर्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा कौन खाने का शौकीन प्लेयर है?
खाने का शौकीन प्लेयर तो अरशद इकबाल है, बहुत खाता है। सही। और आपका निकनेम क्या है आपके ड्रेसिंग रूम में? मेरा निकनेम है लाला। ठीक है, और आखिर में आपसे सवाल पूछूंगा, अगर आपकी अपनी PSL टीम होती तो आप उसका क्या नाम रखते? अगर अपनी होती तो मैं वज़ीरिस्तान टाइगर। बिल्कुल सही। थैंक यू वसीम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी टाइगर्स महफिल की एक और एपिसोड, और हम एक बार फिर से आएंगे एक और टाइगर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।